तो वोटिंग लगातार जारी है और सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुनते हैं। 13 सीयू और 35 वीवीपैट जी। मतदान की जो स्थिति है ग्यारह बजे तक का जो फिगर हमारे पास है उसमें जो मतदान का परसेंटेज है वो 32.38 है। इसको अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखते हैं, देवास में 35.83, उज्जैन में 34.25, मंदसौर 34.12, रतलाम 34.04, धार 32.62, इंदौर 25.01, खरगोन 33.52 और खंडवा 31.87। कर देता हूं, देवास 35.83, उज्जैन 34.25, मंदसौर 34.12, रतलाम 34.04। और निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना रहे थे, वहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना मतदान अब तक हो चुका है। हम आपको मतदान प्रतिशत के बारे में पहले बता देते हैं कि कहां कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और धार से खबर ये मिल रही है जहां पर मऊ लोकसभा सीट, धार मऊ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया है। इस दौरान विस्तार से खास बातचीत भी की है, देखिए। पुर के मतदान क्रमांक 135 में सबसे पहला वोट सावित्री ठाकुर जो भाजपा से प्रत्याशी उन्होंने डाला है, आपने मतदान किया क्या? देखो मतदान हर किसी का कर्तव्य होता है और राष्ट्रहित का मैं प्रत्याशी हूँ, मैंने सभी से यही निवेदन करा कि इस बार देश और राष्ट्र के हित में मतदान होना चाहिए। पहला वोट डाला है आपने, कोई मुहूर्त था? नहीं मुहूर्त नहीं हमारा था कि इस पहला वोट में डाल के क्या मैं खुद प्रत्याशी हूँ, सभी जगह में हर मतदान केंद्र पे मैं जाऊँगी, लोग कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्याएँ आ रही और लोग कितने उत्साह से डाल रहे ये देखने के लिए मैंने सुबह से डाल दिया, अब मैं फ्री हूँ। बारिश के बीच यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, ये इंद्रदेव की कृपा है, आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का दिन है और लोगों पे इस मौसम का भी पूरा इंद्रदेव की कृपा है और लोगों में उत्साह है, महिलाओं में देख लो, पुरुषों में देख लो, सब में उत्साह है। तो ये भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर थे जिन्होंने कहा है कि बारिश के बीच भी लोग पहुंच रहे हैं, लोगों में उत्साह है। और आज देश के 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला है तो घर से बाहर जरूर निकलिए, वोट कीजिए, ये आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। और अपनी तस्वीर को आप विस्तार न्यूज पर भेजिए, हम आपकी तस्वीर आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर दिखाएंगे जहां पर आप वोट डालते हुए नजर आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हो सकता है कि आपको देखकर दूसरे लोग भी अपने घर से बाहर निकल जाएं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, देश के भी 10 राज्यों में जो 96 लोकसभा सीट है वहां पर मतदान हो रहे हैं। तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने वोट अब तक कर चुके हैं और अभी भी अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा आए जिसके चलते आपको इंस्पिरेशन मिले कि आप घर से बाहर निकलें, आपको कुछ प्रेरणा मिले, तो आप देख लीजिए लोग बड़ी संख्या में निकल चुके हैं और मतदान का प्रतिशत भी यही गवाही दे रहा है मध्य प्रदेश में। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने वोट किया है, साथ ही विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि लोग अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। ने मत का प्रयोग किया है, मुझे बहुत खुशी है कि ये महापर्व है, इसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला और आपके चैनल के माध्यम से सभी से मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप अपने मत का प्रयोग सबसे पहले करें, बाकी घर के काम बाद में करना, क्योंकि मैंने सारे काम छोड़ दिए हैं, सबसे पहले वोट करने आई हूँ, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है अभी,
तो बस यही चाहूँगी, और क्योंकि ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और किन मुद्दों को लेकर, जो आपने अपील भी की थी, किन मुद्दों को लेकर जनता आज वोट करेगी? बिल्कुल आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए करेगी वोट। और मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, तो जनता माता बहने इसलिए वोट करेगी क्योंकि विकसित भारत बनाने में वो भी सहयोग करना चाहते हैं। और आदरणीय मोदी जी को लेकर बहुत उत्साहित है, हमारी माता बहनों को देख लो आप, हमारे भाइयों को देख ले, वो उत्साहित है जी। लगातार कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया जीत का दावा करते हैं, आप भी आज मतदान किया है, कितने मतों से आप जीत का दावा अपना करते हैं? बिल्कुल मैं आंकड़ा नहीं बताऊँगी, आंकड़ा आपको 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा भाजपा से प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान, जिन्होंने मोदी के नाम पर वोट की अपील भी की और कहा है। इस समय के लिए मैं संजय वाणी, विस्तार न्यूज़, अलीराजपुर। उधर खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह से मतदाता में एक गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के सरकार में रहे पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने वोट करके यहां पर लोगों को मैसेज दिया है कि वोट जरूर करें। महापर्व है ये चुनाव, और इसलिए सारी जनता से मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, कोई भी ऐसा ना बचे जिसने वोट नहीं किया हो, क्योंकि ये जो वोट, ये आपका वोट आपके विकास के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। तो देखिए 5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए, अगर आप भी अब तक घर से बाहर नहीं निकले हैं तो निकलिए, क्योंकि अब मौका 5 साल बाद ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो घर से बाहर निकलिए, वोट करिए, यही अपील करते हैं। और एक एक लगातार तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर एक बड़ी टीम हमारी मौजूद है।